और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में महत्वपूर्ण खबर की, जहां गोदाम में आग लग गई है। कतरन मार्केट इलाके में एक गोदाम में आग लगी है। दमकल की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। मंगोलपुरी के कतरन मार्केट का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आग के ठीक बाद के, किस प्रकार से ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली की ये तस्वीरें सामने आई हैं। गोदाम में अचानक से आग लगी थी और उसके बाद ये मंजर। आग कैसे लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया। सीधे रुख करेंगे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, आप कैसे लगी आग, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो आग लगी है, आग लगने के बाद इलाके की पुलिस को और फायर ब्रिगेड की टीम को इस मामले की जानकारी दी गई है और जब उसके बाद तत्काल उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरह से आग लगने की वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लगी है, लेकिन इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और जिस तरह से दमकल विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई बड़ा किसी शख्स के जान नहीं गई और अभी तक इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और फिलहाल अभी इस मामले के पड़ताल करने के बाद ही थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि इस पूरे घटनाक्रम में नहीं हुई, इस अग्निकांड में नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब श्रीनगर का जिक्र, जहां आतंकियों ने गोलीबारी कर दी है। आतंकी गोलीबारी में एक शख्स